नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कल से ही पता लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ी धांधली अभी तक की पकड़ी गई है। शुरू शुरू में लगा था कि शायद एक या दो ही स्टूडेंट यहीं ऐसे रहे होंगे जहाँ पर, लेकिन परत दर परत जब खुलती गई तो पता लगा कि सभी जगह ज़्यादातर नकल माफिया पकड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब की बार नकल माफियाओं के साथ ने जो किया है और जैसा सामने आया है ऐसा तो कभी नहीं आया। पूरा का पूरा पेपर एडमिट कार्ड समेत ही दिखा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा और सबूत क्या होगा धांधलीबाजी का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेखपाल भर्ती के शहर 18 केंद्रों में थी परीक्षा, 88% रही थी संतुलित पेपर रहा, लेकिन कट ऑफ की जो उम्मीद है वो 73 से 80 जाने की उम्मीद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस स्तर से धांधलीबाजी है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों ने बहुत ही उम्मीद और बहुत मेहनत के साथ एग्जाम दिया था, उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए इस पेपर के दौरान। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आंसर की है वो आज शाम तक अपलोड की जाएगी। आज शाम तक आपकी आंसर की आ सकती है, लेकिन जो भी होता है अभी इसमें क्या एक्शन लिया जाएगा क्या और नहीं, वो तो बताना मुश्किल है। लेकिन मैं चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ होगा यहाँ पर जर्नल के हिसाब से और OBC के हिसाब से और SC के हिसाब से और ST के हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 73 से और 80 के बीच में आपके जर्नल का कट ऑफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जर्नल का कट ऑफ आपका इतना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं OBC के बारे में, तो OBC का आपका 68 से 73 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और SC के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो SC का कट ऑफ आपका यहाँ पर 63 से 67 के बीच में हो जाएगा, और ST का कट ऑफ जो होगा वो आपका जाएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 59 से आपका 66 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो जो महिलाओं का कट ऑफ होगा वो आपका कितना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो महिलाओं का आपका कट ऑफ होगा वो OBC के इर्द गिर्द ही रह सकता है, 0.5 0.0 इस तरह करके कुछ थोड़ा सा एक या दो नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर रह सकता है। लेकिन अभी तक मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपये के लालच में फर्जी में शामिल हुए थे संदीप और नरेंद्र, जो कि इसमें मुख्य आरोपी पाए गए हैं। मुख्य आरोपी वैसे बहुत हैं, जहाँ पे देख रहे थे विजयकांत परड़े, दिनेश यादव, सोनू, नरेंद्र पटेल, संदीप और सुदेश साहू, ठीक है। सॉल्वर गैंग सदस्यों का कुछ सामान भी बरामद हुआ, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल, इंटरनेट के कुछ माध्यम और कुछ पर्चियाँ भी इसमें मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल भर्ती में यही सबसे ज़्यादा फर्जी करा रहे थे, ठीक है। ये क्या क्या बरामद हुआ है आपको मैं बता दूं कि 15 ब्लूटूथ ईयरबड्स, 9 ब्लूटूथ, 6 डिवाइस, 6 सिम कार्ड, 6 ईयरबड्स, 10 मोबाइल, 1 पेन, DL ब्रज्जा कार, 620 रुपये नगद और जूली में पकड़े गए संदीप नरेंद्र, डस्टर कार, लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किया है। अगर देखिए एक चीज़ छोटी सी मैं यहाँ पर ध्यान लेता हूँ, अगर 15 ब्लूटूथ, 9 ब्लूटूथ और 6 सिम कार्ड अगर वगैरह, अगर एक सेंटर का ये हाल है, तो मुझे लगता है कि जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर नकल करवाने वाले परीक्षार्थियों को ही भर्ती किया जाएगा। अब देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या एक्शन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।